नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा में आज कोहरे की वजह से दो बस एक्सीडेंट हुए। पहला एक्सीडेंट नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली बस इलाहाबाद के पहले मध्य प्रदेश सीमा में कलवारी के पास गढ़ थाना अंतर्गत डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा एक्सीडेंट जोरी रिंग रोड में छात्राओं से भरी बस ट्रक से टकरा गई। हादसा सुबह लगभग 10:30 के बीच हुआ। बस में लगभग 40 छात्राएं सवार थीं। फिलहाल सभी की हालत बेहतर बताई जा रही है। पिछले दो दिनों से रीवा और उसके आसपास भारी कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से विजुअलिटी बिल्कुल कम हो गई है। नागपुर से प्रयागराज जा रही बस NL01B2780 रीवा से लगभग 60 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 30 में गढ़ थाना के कलवारी गांव के पास डिवाइडर से जाकर पलट गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। फिलहाल प्रशासनिक अमला और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। क्रेन की मदद से आवागमन को एक बार फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही थी। वहीं दूसरे हादसे में, जिसमें छात्राएं ही छात्राएं बस में सवार थीं, यह बस सौदामनी नर्सिंग कॉलेज की थी, जो कि एक ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट हो गई। इसमें 40 से ज्यादा छात्राएं थी। फिलहाल सभी की हालत बेहतर बताई जा रही है। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।